सीबीआई ने बुलंदशहर में 387 करोड़ रुपए के भूमि मुआवजा घोटाले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम आज बुलंदशहर के गांव दशहरा पहुंची और गांव के प्राथमिक विद्यालय में करीब एक दर्जन किसानों के बयान दर्ज किए। इससे पहले सीबीआई ने अरनिया थर्मल पावर प्लांट के अफसरों के बयान दर्ज किए और मुआवजा संबंधी दस्तावेजों को खंगाला। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई बुलंदशहर में 387 करोड़ रुपए के भूमि मुआवजा घोटाले की जांच करने पहुंची थी। प्राइमरी पाठशाला में बुलाई गई पंचायत में किसानों के बयान दर्ज करते सीबीआई अफसरों की ये तस्वीर यूपी की बुलंद। आपकी कितनी जमीन गई? मेरी जो है 23। आपको दरअसल आज सीबीआई की टीम 387 करोड़ रुपए के मुआवजा घोटाले की जांच के क्रम में गांव दशहरा पहुंची और किसान के बयान कलम बंद किए। दरअसल वर्ष 1993 में यूपीएसआईडीसी ने अरनिया के चार गांव में 1201 एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण लेदर सिटी बनाने के लिए किया था। अधिग्रहण भूमि की एवज में यूपीएसआईडीसी ने 2.87 करोड़ रुपए का अवार्ड घोषित किया। मुआवजे की राशि को नाकाफी मानते हुए स्थानीय किसानों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट के आदेश पर किसानों को मुआवजा बढ़ाकर 7,13,00,000 रुपए कर दिया गया। वर्ष 2013 में यूपीएसआईडीसी ने लेदर सिटी का विकास करने के बजाय अधिग्रहण की गई जमीन को टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को ट्रांसफर कर दी। टीएचडीसी ने नियम ताक पर रखकर मुआवजे की आड़ में 387 करोड़ रुपए का बंदर बांट किया। अब इस जमीन पर अरनिया में 10,500 करोड़ की लागत से अरनिया थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई 387 करोड़ रुपए के मुआवजे घोटाले की जांच कर रही है। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।